दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों नमस्कार, हिंदी वीडियो गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो है हलाल शब्द के बारे में, हलाल क्या होता है और हलाल सर्टिफिकेशन किन चीज़ों पर दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। तो आइए जानते हैं हलाल सर्टिफिकेशन क्या है और क्यों दिया जाता है। इस्लाम में चीज़ों को हलाल और हराम के जरिए जाना जाता है। जो चीज़ इस्लामिक नियमों के हिसाब से हो उसे हलाल कहते हैं और जो चीज़ इस्लामिक नियमों के हिसाब से नहीं हो उसे हराम कहते हैं। भारत में हलाल को अक्सर मीट से जोड़कर देखा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग हलाल मीट का इस्तेमाल करते हैं और हिंदू और सिख धर्म के लोग झटका मीट का उपयोग करते हैं, लेकिन जब बात हलाल सर्टिफिकेट की आती है तो ये सारी समझदारी की धरी रह जाती हैं। कई मुस्लिम देश में खाद्य या अन्य उत्पाद के लिए हलाल सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। हलाल सर्टिफिकेट ऐसे प्रोडक्ट को दिए जाते हैं जिन्हें बनाने में किसी जानवर, केमिकल्स या अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा इन चीज़ों में एनिमल फैट या कीड़ों के रंग के अलावा दूध से बनी चीज़ों और बीवैक्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी कि जिन प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट मिला है वो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी होती है। दुनिया के कई देशों में प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, साथ ही भारत में भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार अकेले गुजरात में 300 से अधिक कंपनियां ऐसी हैं जो हलाल सर्टिफाइड हैं। अब हलाल कॉस्मेटिक का चलन भी जोर पकड़ रहा है। विदेशों में बाकायदा हलाल सर्टिफाइड दुकानें होती हैं। शुरू में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट सिर्फ इस्लाम को मानने वालों के लिए बनाया जाता था, लेकिन जब इसके बारे में पूरी जानकारी बाहर आई तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की मांग अन्य धर्मों में भी बढ़ गई। देश की हलाल सर्टिफाइड बॉडी हलाल इंडिया के एग्जीक्यूटिव मोहम्मद जिन्ना ने बताया, हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने में क्लीन सप्लाई चेन और कंप्लायंस का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें सोर्सिंग से लेकर ट्रेड तक शामिल है। यानी कि कंपनियां हैंडलिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, वितरण और भंडारण में कुछ स्टैंडर्ड का सख्ती से पालन करती हैं ताकि इन प्रोडक्ट को हलाल क्वालिफाई किया जा सके। एक्सपर्ट बताते हैं आज के युवा और शिक्षित वर्ग पशु कल्याण को लेकर ज़्यादा जागरूक होते हैं और इस कारण हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की मांग बढ़ी है। भारत में 4 संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। ये संस्थाएं हैं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमियत उलमा ए महाराष्ट्र और जमियत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट। हलाल सर्टिफिकेट ना सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि दवा फैक्ट्री, अस्पताल, बैंक, होटल और इंटरनेट साइट्स को भी दिए जाते हैं।